क्राइम न्यूज़ की तरफ से आज हम पहुँचे गांव खराउड में, जहाँ पर राजेश जैन जी जो सामाजिक और उद्योगपति हैं, आज वो यहाँ पर झंडा फहराएंगे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो 71वें गणतंत्रता दिवस पर किस प्रकार से ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धीरे धीरे बढ़ रहे गया। हला भाई हला 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 रुक जाओ साहब। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, ले 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 मैं कर दूँ। एक बार प्रधान जी सामने देखियो, बोल के ले जा सारे ना। हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध उद्योगपति, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गांव में राम जवाब बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो 71वें गणतंत्र दिवस पर किस प्रकार से करना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी और उद्योगपति जी ने बताया कि जो सरकारी स्कूल है उसके लिए काफ़ी प्रयास रहते हैं, क्या क्या प्रयास कहाँ तक सफल हुए हैं उनसे जानने की कोशिश। सरकारी स्कूल के बारे में 2 साल से प्रयास रहते हैं, डी सी महोदय, मंत्री जी, विधायक जी, MP साहब, हर एक से हमने रिक्वेस्ट कर ली है। अब लेटेस्ट पोजीशन ये है, पहले तो सरकार ने ये कार्य है SSC के थ्रू करवाना था, पंचायत ने प्रयास किया भाई PWD के थ्रू होना चाहिए क्योंकि काम ये PWD का है, तो सरकार ने परमिशन दे दी PWD स्कूल को बनाए। इससे पहले 1,97,28,000 रुपये मंजूर भी हो चुके हैं, उसके बारे में PWD ने दोबारा के तैयार करके चीफ आर्किटेक्ट को भेजा हुआ है, वो नक्शा है, उसमें साइट प्लान है, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने सिर्फ उसकी यस करनी है। अगर इसको इस तरीके से बना दिया जाए, वो बर्थ होके बर्थ के साथ तरीके से बनना है। अब तो डायरेक्ट नोट निकालनी है भाई, कब वो निकालते हैं, कितना टाइम लगाते हैं। बाकी सरकार की तरफ से प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ा कि गाँव सरपंच साहब ने, पंचायत ने, बाकी अब देखो सरकार क्या एक्शन ले रही है। आपने बताया कि सभी प्रोसीजर कंप्लीट है, लेकिन जो लास्ट प्रोसीजर जो अटका हुआ उसमें कितनी बार आपने कोशिश की? 20-12 से वो डायरेक्टर के पास फाइल गई हुई, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके पास भी विधायक शकुंतला खट्टर ने 2 बार फोन कर लिया है। MP महोदय 14 तारीख को संक्रांत के दिन मिले थे, उनको लिखित में भी दिया है कि हमारी फाइल निकलवाओ वहाँ से, उसके बाद में अभी तक कोई जवाब नहीं आया डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन से। थैंक यू सर। गणतंत्र दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे कैसे? रमेश भाई, सबसे पहले तो इंडिया क्राइम यूथ की तरफ को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो हमारे इस पूरे प्रकरण को कवरेज कर रहे हैं, और ये 71वां गणतंत्र दिवस मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ हमारे गांव की तरफ से, और हमारे इस चौरसी मंदिर में, पवित्र मंदिर में जहाँ सारे गांव की आस्था है, वहाँ पर ये 105 फीट ऊंचाई के ऊपर जो झंडा है वो बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी और हरियाणा के प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश जैन जी ने उसका ध्वजारोहण किया, सरपंच साहब विजेंद्र भाई की उपस्थिति में और हमारे दादाजी की उपस्थिति में। तो हम इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में होना चाहिए, और युवाओं को संदेश देना चाहिए, संदेश जाना चाहिए इस ध्वजारोहण के माध्यम से कि देश पहले है और हम बाद में। तो इंडिया क्राइम न्यूज़ की तरफ से भी आप सभी को हार्दिक बधाई गणतंत्र दिवस की और आपके शुभ मंगल। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, दादा समर सिंह मंदिर की जो कमेटी है, इसकी प्रबंधन कमेटी है, उसके ये प्रधान जी बैठे हैं और हमारे प्रधान जी युद्धवीर भाई भी बैठे हैं। हमने काफ़ी प्रयास किया है पूरे गांव की तरफ से
पूरे गांव का सहयोग लेकर के हमने काफ़ी निर्माण कार्य पिछले 6 सालों में करवाए हैं, और ग्राम पंचायत में भाई विजेंद्र सरपंच हैं, वो उनसे पहले भी जो सरपंच थे उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया है और हम काफ़ी कुछ करवा पाए हैं। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और दादा समर जी के आशीर्वाद से ही हम ये सब करवा पाए हैं, और आगे भी चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो वो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय होगा, और ये झंडा यूँ ही लहराता रहे और भारत इतनी ऊंचाइयों को छू जाए कि हम धरती पर कहीं पर भी खड़े होकर देखें हमें तिरंगा ही तिरंगा नजर आए। और आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि वी आर सो फॉर्चुनेट, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे गांव की भूमि के ऊपर एक ऐसी फैक्ट्री लगी है, जैसा कि जैन साहब ने बताया कि इंडिया का कोई भी एरोप्लेन है, कोई भी हेलीकॉप्टर है, कोई भी मिसाइल है, कोई भी लड़ाकू हथियार है हमारी मिलिट्री का, उसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हमारे इस फैक्ट्री में से कोई न कोई लोहे का पुर्जा उसमें ना लगा हो, तो हमें बड़ा गर्व होता है। वी आर प्राउड ऑफ आवर विलेज एंड एवरी विलेजर एवरी चिल्ड्रन ऑफ खराबड़। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इंडिया क्राइम न्यूज़ की तरफ से आज हम पहुँचे हैं गांव खराउड़ में, जहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी और उद्योगपति राजेश जैन जी ने तिरंगा झंडा फहराकर 71वें गणतंत्र दिवस पर ग्रामवासियों को बधाई दी। आइए उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार अपने स्पेशल विचारों से वो गाँव वालों को बधाई दी। पूछोगे या बोल देते ना, दो मिनट पूछने में तो सबसे पहले तो सरपंच विजेंद्र जी और मेरे बुजुर्ग और भाइयों, तो आप सबको 71वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे मास्टर जी ने कहा कि हम सबसे पहले हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अपने शहीदों को नमन करें, अपने पैरामिलिट्री फोर्सेज और मिलिट्री को जो आज सरहद पे हरदम तैनात रहते हैं, और अपनी पुलिस को जो अंदरूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं उसको हम नमन करें। मास्टर जी ने बताया कि भाई 26 जनवरी को हम मनाते क्यों हैं, वैसे हमारा 26 जनवरी 1929 को हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि भाई हमें संपूर्ण स्वराज्य चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। उसके बाद 47 में हमें आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1949 में अडॉप्ट हुआ, तो उसके 2 महीने बाद फिर हमने इसको 26 जनवरी को इसको इम्प्लीमेंट किया। और इसका आज हमारे लिए मीनिंग क्या है, तो मैं इसमें आज 3 मैसेजेस देना चाहूँगा कि एक तो आज सब 26 जनवरी पे रन लें कि भाई हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, और मैं सरपंच जी से कहूँगा कि भाई सबको ये कहें कि भाई एक एक गली अडॉप्ट करें, तो हर आदमी अगर एक एक अपनी सिर्फ गली या अपना मोहल्ला नुक्कड़ भी अडॉप्ट कर ले तो उसमें वो हर साल पेड़ लगाएं, पानी का दुरुपयोग ना करें। गवर्नमेंट ने बल्कि एक एजेंसी बनाई है अब जल शक्ति, जिसके लिए उन्होंने कहा कि भी आने वाले टाइम में जो जल है वो सोने से भी महंगा होगा, और आपके यहाँ तो जो खाद भी बनती है अगर आज हम अपना सूखा और गीला वेस्ट निकाल के छोटी छोटी मशीनें लगा लें, हो हमने भी एक लगा रखी है, तो उससे आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है, मिलजुल के आप सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं, तो एक कलेक्टिवली अगर सब लेंगे तो अगर जितना एनवायरनमेंट की वजह से आज दुनिया में मैं कहूँगा कि भयंकर प्रकोप छाया हुआ है, तो सृष्टि बचेगी नहीं अगर हमने उसका ध्यान नहीं रखा। दूसरा, आज हमें आज़ादी तो मिल गई और इंडिपेंडेंस मिल गई, पर आज अब दूसरी किस्म की एक गुलामी शुरू हो गई है, वो है हमारे डिजिटल इंडिया के माध्यम से, तो उसमें कि आज हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने सेलफोन का और सोशल मीडिया का कैसे उपयोग करें, और हमें अपने आप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा कि आज तो आपका देश का कॉन्स्टिट्यूशन था कि मैं अपने आप को सेलफोन कितना यूज़ करूँ, नहीं तो हम उसके इतने गुलाम हो जाएंगे कि हम पिछली आज़ादी को तो भूल जाएंगे। और आज वैसे हम पास हो गए हैं, पर जो साथ में पास बैठा आदमी होता है वो दूर हो गया, क्योंकि सब हम अपने अपने सेलफोन पे लगे रहते हैं। तो डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, क्या कारण रहे? 2 साल नहीं लगे आपको, ये 14 महीने 18 दिन का समय लगा हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। वो तो 47 से ही शुरू हो गया था प्रोसेस, 47 से लेके, क्योंकि जैसे मास्टर जी ने बताया कि भाई इतनी बड़ी कंट्री है और इतने सारे इसमें लोग हैं, तो उसके हिसाब से वो फर्स्ट टाइम जो एक इंडिया एक्ट था पहले, इंडिया एक्ट जिसको 1935 कहते हैं, तो जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, तो उसको हटा के नया कॉन्स्टिट्यूशन पेज बाय पेज लिखना था, जो कुछ 480-87 पेजों का बना था। तो एक तीसरा पॉइंट और जो मैंने इसमें ऐड करना है कि भाई जो अभी मोदी जी NRC और कैब लाए, और उसके चलते हुए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई उससे बचें, तो नहीं तो ये कैंसर की तरह से फैलेगा और एक दिन एटम बॉम्ब की तरह से बस्ट होगा, क्योंकि जब हम आज हिंदू
और जिस दिन भी कोई राइट्स होंगे, आज हमारी 80% पॉपुलेशन इंडियंस की है, हिंदूज की है, तो उस दिन शायद 80% जो है हिंदूज को ज़्यादा क्षति होएगी इंस्टेड ऑफ की भी दूसरी किसी कम्युनिटी को क्षति होएगी। और तो मैं ये कहूँगा कि भी आज हमारे 130 करोड़ की इस पॉपुलेशन में जी। जो हर रोज हमारे कि भाई हम सब कहते हैं हमारा एक कुटुंब है जी। और उस कुटुंब को हम संभाल के रखें, उसमें आज सरपंच जी से कहूँगा कि भाई अगर न्यू इंडिया जिसकी प्रधानमंत्री हर रोज बात करते हैं तो उसमें एजुकेशन का ध्यान रखें और जिसका भी स्वच्छ भारत का ध्यान रखें, और जो ये आयुष्मान कार्ड अगर जिसका नहीं बना है तो वो आयुष्मान कार्ड वो सबका जरूर बनाएं। सर अभी आपने बात की एजुकेशन की, लेकिन हमारे गांव की तरफ से हमारे सरपंच साहब ने काफी बार प्रयास किए, लेकिन पिछले काफी समय से हमारे जो विद्यालय है सब लोगों ने प्रयास किया, लोगों ने प्रयास नहीं किया साथ में। वो सरपंच जी कहते हैं कि लोगों ने जमीनों का कब्जा कर रखा है जी, तो इसलिए वो चीजें जो है जो सरकार की होने के बाद भी खाली सरपंच स्पेस है, खाली जो है सरपंच जी के प्रयास से नहीं होगा। सरपंच जी तो सामने है जी जी। तो मेरे को लगता है उसमें कहीं ना कहीं लोगों की कुछ कमी है कि जो उसको होना नहीं चाह रहे, पर अगर आपको यूथ को अगर एम्पावर करना है जी, तो वो आपको एजुकेशन तो सबको देनी ही पड़ेगी। आपने अभी आपने बताया कि जो मानव जो अधिकार की बात की, विपक्ष काफी मुद्दे उठाते हैं, लेकिन विपक्ष का तो काम होता है कि वो जो बातें हैं उनको सामने लेकर के आए पब्लिक के बीच में। सवाल इसमें दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी कुंडू साहब ने जो आरोप लगाया मनीष ग्रोवर पर, वो उसका आज से कोई है कि भाई जब अगर आज हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना है और हमें ये मतभेद ही बना के और हमें सबको इकट्ठा रह के इस कंट्री को आगे लेके जाना है जी सर, उसका संदेश। थैंक यू। अब मैं प्रधान जी से भी उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपने विचार रखें और किस प्रकार से आप ग्रामीणों को गणतंत्र दिवस की बधाई देंगे। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हमारा 105 फट ऊंचा झंडा राजेश जैन फहराने आए जी। हम जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी जी। और दादा चमन ऋषि और गौ माता से प्रार्थना करते हैं जैन साहब के कारोबार जी। दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करें और भगवान इसे बहुत और ऊंचे ले जाए। हम सब गांववासी दुआ करते हैं, बार बार हमें जब भी जरूरत पड़ती है जैन साहब हमें दान देने से कभी इनकार नहीं करते। ये 8 लाख की लागत से शेड बनवाई थी और आज हमने जैन साहब से एक मांग की थी, मांग करने से पहले ही जैन साहब ने हमारा 22-23 फरवरी को गौ माता का प्रोग्राम है कलावड़ गौशाला में, राजेश जैन जी ने एक ट्रैक्टर और ट्रेली की घोषणा पहले ही कर दी। जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। मैं एक चीज और ऐड कर लूं कि भाई हमारे करावड़ वासियों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि भाई आपके यहाँ से अगर आज जो 26 जनवरी पे कोई भी जो मिसाइल लगी हुई है, कोई टैंक लगा हुआ है, कोई प्लेन लगा हुआ है, कोई सैटेलाइट जाती है, तो उसमें कोई ना कोई एक पुर्जा हमारी फैक्ट्री से लगा हुआ है। पिछले 20 वर्षों से ऐसी कोई मिसाइल नहीं है, ऐसी कोई टैंक नहीं है, ऐसा कोई मंगल मिशन नहीं है, ऐसा कोई चंद्रयान। कितने गर्व की बात है, इंडिया क्राइम न्यूज की तरफ से हम आपको हार्दिक बधाई देते और आपका स्वागत करते कि आप ऐसे ही समाज में सेवा करते रहे। जय हिंद, जय भारत। बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो 71वें गणतंत्र दिवस पर किस प्रकार से करना चाहेंगे और साथ ही साथ जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी और उद्योगपति जी ने बताया कि जो सरकारी स्कूल है उसके लिए काफी प्रयास रहते हैं, क्या क्या प्रयास कहाँ तक सफल हुए हैं उनसे जानने की कोशिश। सरकारी स्कूल के बारे में 2 साल से प्रयास रहता है, डी सी महोदय, मंत्री जी, विधायक जी, MP साहब, हर एक से हमने रिक्वेस्ट कर ली है। अब लेटेस्ट पोजीशन ये है, पहले तो सरकार ने ये कार्य है SSC के थ्रू करवाना था, पंचायत ने प्रयास किया भाई PWD के थ्रू होना चाहिए क्योंकि काम ये PWD का है, तो सरकार ने परमिशन दे दी PWD स्कूल को बनाए। इससे पहले 1,97,28,000 रुपये मंजूर भी हो चुके हैं, उसके बारे में PWD ने दोबारा के तैयार करके चीफ आर्किटेक्ट को भेजा हुआ है, वो नक्शा है, उसमें साइट प्लान है, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने सिर्फ उसकी यस करनी है। अगर इसको इस तरीके से बना दिया जाए वो बर्थ होके बर्थ के साथ तरीके से बढ़ना है, अब तो डायरेक्ट नो निकालनी है, कोई कब वो निकालते हैं, कितना टाइम लगाते हैं,
बाकी सरकार की तरफ से प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ा की गाँव ने सरपंच साहब ने पंचायत ने बाकी अब देखो सरकार क्या एक्शन ले रही है। आपने बताया कि सभी प्रोसीजर कंप्लीट है लेकिन जो लास्ट प्रोसीजर जो अटका हुआ उसमें कितनी बार आपने कोशिश की? 20-12 से वो डायरेक्टर के पास फाइल गई हुई, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन है उसके पास भी विधायक शकुंतला खट्टर ने 2 बार फोन कर लिया है। एमपी महोदय 14 तारीख को संक्रांत के दिन मिले थे, उनको लिखित में भी दिया है कि हमारी फाइल निकलवाओ वहाँ से, उसके बाद में अभी तक कोई जवाब नहीं आया डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन से। थैंक यू सर। गणतंत्र दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे रमेश भाई, सबसे पहले तो इंडिया क्राइम यूथ की तरफ से को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो हमारे इस पूरे प्रकरण को कवरेज कर रहे हैं और ये 71वां गणतंत्र दिवस मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ हमारे गांव की तरफ से। और हमारे इस चौरसी मंदिर में, पवित्र मंदिर में जहाँ सारे गांव की आस्था है, वहाँ पर ये 105 फीट ऊंचाई के ऊपर जो झंडा है वो बहुत ही प्रसिद्ध समाजसेवी और हरियाणा के प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश जैन जी ने उसका ध्वजारोहण किया सरपंच साहब विजेंद्र भाई की उपस्थिति में और हमारे दादाजी की उपस्थिति में। तो हम इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में होना चाहिए और युवाओं को संदेश जाना चाहिए इस ध्वजारोहण के माध्यम से कि देश पहले है और हम बाद में। तो इंडिया क्राइम न्यूज़ की तरफ से भी आप सभी को हार्दिक बधाई गणतंत्र दिवस की और आपके शुभ मंगल। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, दादा समर सिंह मंदिर की जो कमेटी है, इसकी प्रबंधन कमेटी है, उसके ये उपप्रधान जी बैठे हैं और हमारे प्रधान जी युद्धवीर भाई भी बैठे हैं। हमने काफ़ी प्रयास किया है पूरे गांव की तरफ से, पूरे गांव का सहयोग लेकर के हमने काफ़ी निर्माण कार्य पिछले 6 सालों में करवाए हैं और ग्राम पंचायत में भाई विजेंद्र सरपंच हैं, वो उनसे पहले भी जो सरपंच थे उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया है और हम काफ़ी कुछ करवा पाए हैं। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और दादा समर सिंह के आशीर्वाद से ही हम ये सब करवा पाए हैं और आगे भी चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो वो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय होगा और ये झंडा यूँ ही लहराता रहे और भारत इतनी ऊंचाइयों को छू जाए कि हम धरती पर कहीं पर भी खड़े होकर देखें हमें तिरंगा ही तिरंगा नजर आए। और आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि वी आर सो फॉर्चुनेट, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे गाँव की भूमि के ऊपर एक ऐसी फैक्ट्री लगी है जैसा कि जैन साहब ने बताया कि इंडिया का कोई भी एरोप्लेन है, कोई भी हेलीकॉप्टर है, कोई भी मिसाइल है, कोई भी लड़ाकू हथियार है हमारी मिलिट्री का, उसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हमारे इस फैक्ट्री में से कोई न कोई लोहे का पुर्जा उसमें ना लगा हो। तो हमें बड़ा गर्व होता है, वी आर प्राउड ऑफ आवर विलेज एंड एवरी विलेजर एवरी चिल्ड्रन ऑफ खराबड़। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के खिलाफ जंग। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज, देश का अपना हिंदी न्यूज चैनल।